तो दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो सुपर स्प्लेंडर एचटेक वर्सेस हीरो ग्लैमर एचटेक। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स की मैंने ली है टॉप वेरियंट, तो चलो देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए और कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो सबसे पहले सुपर स्प्लेंडर के एक्सशोरूम की बात करी जाए तो इसका जो आपको एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगा ये पड़ेगा 89,078 रुपीज एक्सशोरूम प्राइस। और यहीं पे ग्लैमर एचटेक की बात करी जाए ये पड़ेगी आपको एक्सशोरूम प्राइस 92,348 रुपीज़ की। दोनों मोटरसाइकिल्स में आप लोग कर रहे थे 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से आप लोगों को जो डिफरेंट आने वाला है वो पड़ेगा दोस्तों आपको 3,500 रुपये का फर्क। तो क्या हमें 3,500 रुपये ज़्यादा देके ग्लैमर एक्सटेक लेनी चाहिए या फिर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक लेनी चाहिए? तो सबसे पहले सुपर स्प्लेंडर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड OSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 10.84 PS एट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.6 Nm एट 6,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पर दोस्तों ग्लैमर एक्सटेक की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक 2-valve OSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 10.84 PS एट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.6 Nm एट 6,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट टू का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 3,500 रुपये अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो पावर और टॉर्क हमें दोनों ही मोटरसाइकिल्स की सेम ही मिल रही है। तो यहाँ पे जो विन करती है ये अपनी सुपर स्प्लेंडर जो है वो विन कर जाती है। सिंगल स्प्लेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है, 2-valve के इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। नॉर्मल जो चैन ड्राइव है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क रियल में ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, यानी अगर आप रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो इसके अंदर आप लोगों को ये मोटरसाइकिल जो है ये ड्रम वेरिएंट में भी अवेलेबल है जिनका प्राइस जो है वो कम है, ठीक है। तो ड्रम ब्रेक में भी मिल जाती है दोनों मोटरसाइकिल्स, लेकिन रिकमेंड मैं हमेशा यही करता हूँ कि आप लोग हमेशा टॉप मॉडल ही लो ताकि इसमें आपको ब्रेकिंग मिलती है अच्छी। तो डिस्क वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पर हमें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो टायर्स के बारे में, तो सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको दोस्तों जो टायर मिलेगा फ्रंट में 80x100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 inches के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 90x90 का रियल टायर मिलेगा विद 18 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। यहीं पे ग्लैमर एचटेक की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80x100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 inches के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 100x80 का रियल टायर मिलेगा विद 18 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ना तो सुपर स्प्लेंडर का पीछे का टायर छोटा मिलेगा आपको, ठीक है, यानी वाइड जो टायर रहेगा वो आप लोगों को ग्लैमर में ज़्यादा मिलेगा, यानी आप ग्लैमर से जो कॉर्नरिंग्स वगैरह जो है ना वो अच्छे कर पाओगे। लेकिन दोस्तों ये जो बाइक है ये कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो प्रॉपरली कॉर्नरिंग्स नहीं कर सकती है बाइक। ये बाइक क्या हल्की फुल्की लीन डेली यूज़ में जो हल्का फुल्का लीन वगैरह होती है नहीं करती है, ज़्यादा करोगे तो भाई स्लिप खा जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान ही रखना। तो यहाँ पे ग्लैमर्स के टायर आपके जो रियर का है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स आपको जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो मुझे ग्लैमर के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जो इसके अंदर डायमंड कट के स्टाइल में अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन दिया ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। यहीं पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो सीट हाइट की, तो सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी 793 mm की सीट हाइट आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में मिल जाएगी। ग्लैमर के अंदर आपको 798 mm की सीट हाइट जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आप लोगों को 5 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो ग्लैमर एक्सटेक में मिल जाएगी। यहाँ पे अगर दोस्तों व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1267 mm का व्हील बेस जो है वो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में मिलेगा, और ग्लैमर एक्सटेक के अंदर आपको 1273 mm का व्हील बेस जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना आप लोगों को जो डिफरेंट मिलने वाला है वो आपको 5 mm का डिफरेंट जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि 5 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है ना वो आपको ग्लैमर एक्सटेक में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2042 mm की लेंथ जो है वो सुपर स्प्लेंडर के एक्सटेक में मिल जाएगी, और ग्लैमर एक्सटेक के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2051 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों लेंथ के मामले में बात करें तो ग्लैमर अपनी विन कर जाती है, जो कि 9 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको ग्लैमर एक्सटेक में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिलेगी, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। तो आप दोनों ही मोटरसाइकिल से बड़े आराम से ऑफ रोडिंग वगैरह जो है ना काफ़ी अच्छी कर सकती है, यानी दोनों ही मोटरसाइकिल सेम ही ऑफ रोडिंग जो है वो करके निकालेगी। वैसे ग्लैमर
जो है पर्सनली मेरे पास भी है, तो बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग करती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो यहाँ पे आप लोगों को मज़ा ही आएगा ऑफ रोडिंग वगैरह करने में, दोनों ही मोटरसाइकिल्स में, क्योंकि सेम ही है, तो दोनों ही मोटरसाइकिल अच्छी ग्राउंड ऑफ रोडिंग जो है वो आपकी कर देगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1092 mm की हाइट जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगी। यही पे ग्लैमर के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1074 mm की हाइट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिफरेंट आ रहा है वो 18 mm हाइट का डिफरेंट आ रहा है। तो 18 mm ज़्यादा जो हाइट है ना वो आपको सुपर स्प्लेंडर के अंदर जो है वो मिल जाएगी। वृत्त की अगर मैं बात करूँ तो 752 mm की वृत्त जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगी। ग्लैमर एस्टेक के अंदर आपको 743 mm की वृत्त जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को ना तो यहाँ पे अगर डिफरेंट देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 9 mm ज़्यादा जो वृत्त है वो सुपर स्प्लेंडर के अंदर मिल जाएगी। यानी डायमेंशंस जो है ना वो दोस्तों सुपर स्प्लेंडर के अच्छे हैं। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगा। यहीं पे 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको सुपर स्प्लेंडर एस्टैक में मिलेगा और ग्लैमर एस्टैक के अंदर आपको 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगा और ग्लैमर के अंदर आप लोगों को 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ना ग्लैमर का पेट्रोल टैंक छोटा लगा था, जो मेरे पास ग्लैमर है उसके अंदर 40 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है, बट काफ़ी छोटा कर दिया, काफ़ी हल्का जो है ना वो कर दिया, तो ये थोड़ा सा मज़ा सा नहीं आया कि थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था, बट खैर चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। कर्व वेट पसंद नहीं आया यार मेरे को, कर्व वेट पसंद नहीं आया। 123 kg का कर्व वेट आपको सुपर स्प्लेंडर में मिल रहा है एक्सटैक में। ग्लैमर एक्सटैक के अंदर जो आपको कर्व वेट मिला है वो 123 kg का कर्व वेट मिला है। दोनों मोटरसाइकिल कर्व वेट सेम है, तो यहाँ पे तो यार गड़बड़ कर दी, क्योंकि 2 लीटर पेट्रोल टैंक आपको छोटा मिल रहा है, ठीक है, डायमेंशन भी ज़्यादा आपको सुपर स्प्लेंडर में मिल रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में ज़्यादा मिल रही है डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो यार कर्व वेट फिर सेम, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, होना चाहिए था ग्लैमर का। तो इसी वजह से मुझे लग रहा कंपनी ने जो है ना 2 लीटर इसलिए कम करा, क्योंकि कावेट सेम करने की वजह से, तो हो सकता है ये रीज़न भी हो सकता है, और रीज़न क्या आई थिंक यही इनका माइंड सेटअप यही होगा। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है मिल जाएगी। फ्रंट हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम ही, दोनों मोटरसाइकिल में अगर देखा जाए तो दोनों में ही आपको फ्रंट में LED हेडलाइट्स जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और एच शेप की जो आपको हेडलाइट जो है ना वो ग्लैमर में जो मिलेगी वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लगेगी। हेलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको सुपर स्प्लेंडर एस्टैक में मिलेगा, और रियल में जो ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो सुपर स्प्लेंडर एस्टैक में मिल जाएगा। ग्लैमर के अंदर आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियल में आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो ग्लैमर एक्सट्रैक में मिल जाएगा। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना वो दोनों भी बेहतरीन जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें जाए सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक के अंदर तो बाल फंक्शन लाइट इंडिकेटर मिल जाएगा, ठीक है, साइज 10 कट ऑफ फीचर आप लोगों को मिल जाएगा, पोजिशन लैम्प आपको इसके अंदर मिल जाएगा, वहीं पर आप लोगों को दोस्तों इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो कि इनका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऐप है, हीरो का एक ऐप है, उससे आप लोग अपने फ़ोन बाइक को कनेक्ट करोगे तो आपके फ़ोन में कोई भी कॉल या कोई नेविगेशन कुछ भी, अगर आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आती है तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के जो मीटर कंसोल है वो बता देंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो ग्लैमर एक्सटैक के अंदर भी आपको सेम ही चीज़ें मिलेंगी, साइज 10 कट ऑफ फीचर आपको मिल जाएगा, अगर आपके फ़ोन में कोई भी कॉल SMS कुछ भी अगर आता है, कोई भी फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आती है तो ग्लैमर एक्सटैक का मीटर भी आपको बता देगा। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर जो मीटर कंसोल है वो आपको सेम ही मिल जाएगा। कॉल SMS अलर्ट जो है ये आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाएगा। USB चार्जिंग पोर्ट जो है ये दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, भले ही ये देखो एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग आफ्टर मार्केट लगवाते तो वारंटी वगैरह का लफड़ा रहता है, और कंपनी लगा के दे रही है तो इसमें क्या आप लोग का प्रॉफिट क्या होने वाला है, प्रॉफिट इसमें आपका ये होने वाला है कि अगर आप लोग अपना फ़ोन जैसे इस पर चार्जिंग पर लगाते हो तो आपके फ़ोन की मतलब फ़ोन को ये चार्ज करेगा, प्रॉपरली चार्ज करेगा, फास्ट चार्जिंग का लोगों ने सपोर्ट लगा रखा है। जैसे हम आफ्टर मार्केट को चार्जर वगैरह लगाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फ़ोन के अंदर 2% बैटरी है तो वो 2% पे ही रखेगा, वो फ़ोन को चार्ज नहीं करेगा, जहाँ पे जितनी परसेंट बैटरी उतनी ही परसेंट बैटरी जो है वो रखेगा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे आफ्टर मार्केट लगता है, और जब कंपनी ये चीज़ दे रही है तो भाई इसी को ही आप लोग इंस्टॉल कराओ। कंप्यूटर सेगमेंट की दोनों ही मोटरसाइकिल्स हैं, किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएगी। एयर कूलिंग जो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेंगे। 5-speed गियर बॉक्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेंगे। नेविगेशन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेंगे। सर्विस ड्यू की जो इंडिकेटर है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएंगे। तो प्रॉपरली अगर दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ डिफरेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, देखो डायमेंशन ज़्यादा सुपर स्प्लेंडर के हैं तो, लेकिन यार सुपर स्प्लेंडर 3,500 रुपये सस्ती भी है, ये भी डिफरेंट है।
तो अगर आप लोगों के, और हाँ यहाँ पे मैं माइलेज के बारे में भी बात कर लूँ, तो दोस्तों सुपर स्प्लेंडर ना आप लोगों को आराम से, सुपर स्प्लेंडर का माइलेज आपको अच्छा मिलेगा, 62 के आसपास का माइलेज जो है वो सुपर स्प्लेंडर निकाल देगी। ग्लैमर भी 62 के आसपास का निकाल देगी, बाकी डिपेंड, वैसे तो 60 का माइलेज है ग्लैमर एक्सटेक का। मैंने जब पर्सनली माइलेज टेस्ट किया था इसका, तो मुझे 60.8 या समथिंग का कुछ मिला, लेकिन मैं 60 बोल लेंगे हम उसको। तो यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर का माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, भले ही लाइट वेट है, क्योंकि देखो डिफरेंट कहाँ आ गया, डिफरेंट टायर्स पे आ गया, तो जब टायर्स पतले लगे होंगे तो भाई माइलेज तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है माइलेज ज़्यादा देगी। तो अगर आप लोगों को देखो एक ऐसी बाइक चाहिए, थोड़ा सा लुक के अकॉर्डिंग बाइक चाहिए ना, तो ग्लैमर का लुक काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, देखते ही आपको पसंद आ जाएगी ग्लैमर। और यहाँ पे थोड़ा सा सुपर स्प्लेंडर का थोड़ा सा नॉर्मल सा लुक लगता है, तो लुक के ही मामले में देखकर जज करा जाएगा, बाकी तो ओवरऑल दोनों चीज़ों में और कुछ, दोनों ही बाइकों में और कुछ डिफरेंट है नहीं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए हमारे 2008 सर्विस और मॉडिफाई बैक कर दो, जो सब्सक्राइब करना तो ओके।